आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश उपाध्याय के सानिध्य में एक विशाल जनसंपर्क अभियान महेश्वर के विभिन्न वार्डों में किया गया। क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में आम आदमी पार्टी खरगोन महेश्वर के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनकी जीत को लेकर जनसंपर्क किया गया और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह द्वारा बताया गया कि भय, भूख और भ्रष्टाचार के चलते मध्य प्रदेश की आम जनता परेशान हो चुकी है। वहीं नगर परिषद में भी विभिन्न समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही है, जहां मामा भांजियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में घोटालों का अंबार लगा है और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। ऐसी भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताए और मध्य प्रदेश को खुशहाल बनाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज मैं सुबह से महेश्वर नगर परिषद के अलग अलग वार्डों में घूम रहा हूँ। हमारे प्रत्याशी हैं, 5 प्रत्याशी, सभी वार्डों में हमारी पदयात्रा निकली। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनता बाहर निकल निकल के घर से, महिलाएं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, सब लोग पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से अच्छा रिजल्ट निकलेगा। कल मैं सारणी में था, बैतूल में, वहाँ भी बहुत अच्छा उत्साह है। मंडला तरफ या झाबुआ तरफ कई जगहों पे उत्साह है। तो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर अच्छा करने जा रही है। इसके पहले जो चुनाव हुए थे नगरीय निकाय चुनाव, उनमें हमारे 42 पार्षद जीते थे और एक महापौर जीती थी। 6% से अधिक वोट मिला था नगरीय निकाय चुनावों में और इन चुनावों में और बेहतर परिणाम आने की संभावना है। 5 हमारे प्रत्याशी हैं, उनके साथ साथ 3 निर्दलीय जो साथी हैं वो भी हमारे संपर्क में हैं। तो हमारा प्रयास है कि महेश्वर की जनता को हम अच्छा विकल्प दें। कितने प्रत्याशी जीत की उम्मीद है आपको? देखिए, हम तो सभी प्रत्याशियों को जीतने के उम्मीद के साथ ही मैदान को उतारे हैं। और जिस तरीके का मैं आपको बताऊं कि एक एक वार्ड पे पदयात्रा करके सभी घरों के सामने से मैं निकला हूँ, दुकानों के सामने से लोग आकर बाहर निकल के समर्थन दे रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? देखिए, मुद्दे आप अगर देखें तो महेश्वर जैसी जगह तो पर्यटन के क्षेत्र से लेकर हर तरीके से यहाँ अच्छे से विकसित किया जा सकता है। यहाँ की जो सड़कें हैं, न केवल मुख्य मार्ग बल्कि जो बस्तियों की सड़कें हैं, कॉलोनियों की सड़कें हैं, वो भी अच्छी बननी चाहिए। नाली की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां टूटी हैं, सीवर लाइन की स्थिति खराब है। ऐसे ही बच्चों के स्कूल की हालत खराब है, स्वास्थ्य सुविधाओं की दिक्कत है। ये तमाम मुद्दे तो आम आदमी पार्टी उठाती रही है, उठाएगी। जो नगर परिषद के अंतर्गत हमारे वार्ड में प्रत्याशी जीतेंगे, उनके जो काम है वो काम तो हम करेंगे ही, साथ में चाहे विधायक हो या नगर परिषद के अन्य वार्डों में कोई, चाहे भाजपा का जीत जाए चाहे अन्य लोग जीते, उनको भी हम मजबूर कर देंगे कि अच्छा काम करें ताकि जनता की सेवा हो सके। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी हर वार्ड को एक मॉडल वार्ड के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।